तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपके जियो नंबर की ओटीपी किसी ने ले लिया है। अब यार आपके फ़ोन से किसी ने ओटीपी ले लिया है और अब लगातार वो आपके जियो नंबर की कॉल हिस्ट्री चेक कर रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं और आगे चल के कोई और हमारे जियो नंबर की ओटीपी ना ले और हमारी कॉल डिटेल्स को हम कैसे रोक सकें, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगा, अगर आपके फ़ोन से किसी ने ओटीपी ले लिया है और वो लगातार आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहा है तो उसे कैसे बंद कर सकते हो या उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं। अब जियो एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसे हम लॉग आउट कर सके अगर दूसरे डिवाइस में हमारा नंबर लॉगिन है तो। इसलिए दोस्तों आपकी कॉल हिस्ट्री कोई और चेक ना कर पाए इसके लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे आपने अपने मैसेज में लॉक लगा के रखना है ताकि कोई भी आसानी से मैसेज खोल ना पाए, और दूसरा आपको किसी के ऊपर भी इतना ट्रस्ट नहीं करना है, अपना फ़ोन उसे नहीं देना है। अगर दे रहे हैं तो आप देखते रहिए कि वो बंदा क्या कर रहा है। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि जिस नंबर से माई जियो एप्लीकेशन का ओटीपी आता है उस नंबर को ही ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसके लिए आपको अपने माई जियो एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करके लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद जब आपके नंबर पे ओटीपी आएगा तो जो ओटीपी वाला मैसेज है उसे ब्लॉक कर देना है। ये तीनों चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कॉल हिस्ट्री कोई और चेक कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिसे अपनाकर आप अपनी प्राइवेसी को सेफ कर सकते हैं। अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी कॉल हिस्ट्री ऑलरेडी कोई चेक कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई आपकी कॉल हिस्ट्री चेक कर रहा है तो आपको जिसके ऊपर शक है उसका फ़ोन ले लेना है, उसका फ़ोन लेके उसके मोबाइल से माई जियो ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, जिस पे भी आपको लगता है कि वो हमारी कॉल डिटेल्स देख रहा है तो उसके फ़ोन से सिर्फ एक बार माई जियो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है, यानी डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके फ़ोन से माई जियो एप्लीकेशन डिलीट होते ही आपकी कॉल हिस्ट्री भी निकल जाएगी, फिर वो बंदा कभी भी आपकी कॉल हिस्ट्री को नहीं चेक कर सकता है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप उसका फ़ोन नहीं ले सकते हैं तो आप अपने जियो नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं किसी और कंपनी के अंदर, अर्थात जियो से आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल वापस आपको जियो में आना है तो आप 3 मंथ या 4 मंथ जो उसकी लिमिटेशन होती है वो पूरा करने के बाद अब वापस आप जियो में आ सकते हैं। तो दोस्तों पोर्ट करने का ये दूसरा ऑप्शन है जिससे आप अपनी कॉल हिस्ट्री को बचा सकते हैं। अगर जियो एप्लीकेशन के अंदर कोई नया अपडेट आता है जिससे हम कॉल हिस्ट्री को बंद कर सकें या दूसरे डिवाइस में अगर लॉगिन है तो उसे लॉग आउट कर सकें तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो या अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।